जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, उस दिन हमने व्हाट्सएप के ऊपर भिजवा दिए थे टैग के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर किसी को कोई इशू तो नहीं आया है, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर किसी का कोई ही जवाब नहीं आया। सदर जो आपको प्रॉब्लम है व्हाट्सएप के ऊपर आप पूछें, अगर आपको लिखने में ज़्यादा मुश्किल हो रही है तो इस तरह बोल कर वॉइस रिकॉर्ड कर दें ताकि मैं उसको फिर वॉइस रिकॉर्ड भी आपको जवाब दे पाऊँ। अच्छा जी, हमारा डिस्कशन चल रही थी क्लास में इंग्लिश रिगार्डिंग चैप्टर आई बिलीव 7 है, और हमारा कंजम्पशन की बात अब हमने करनी है। कंजम्पशन क्या है? स्पेंडिंग ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई नीड्स। कंजम्पशन है या एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई नीड्स। ये कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीजों के ऊपर जो खर्चा जो आपकी किसी ना किसी जरूरत को पूरा कर दें, उन अखराजात को हम कंजम्पशन की डेफिनेशन के अंदर रखेंगे। और जो ऐसे अखराजात होंगे जो कि आपकी करंट कंजम्पशन को पूरा ना करें उसको हम इन्वेस्टमेंट कह देंगे। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज हम बार बार डिस्कस करते रहे हैं कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंजम्पशन गुड है, कंज्यूमेबल गुड्स हैं, टू सेटिस्फाई नीड्स, कंज्यूमेबल गुड्स, उनके ऊपर जो अखराजात होंगे उनको हम कंजम्पशन कहेंगे। सेकेंड चीज जो कंजम्पशन के अंदर हमें देखनी है, नजर आती है कि कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। जिस शख्स की इनकम 10,000 का महीना है उसकी कंजम्पशन उसके हिसाब से होगी, जिसकी इनकम 10,00,000 रुपया महीना है उसकी कंजम्पशन उसके हिसाब से होगी, ज्यादा कंजम्पशन होगी। 10,000 रुपये महीना के साथ हम कम कंजम्पशन कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच एक्सपेक्टेशन ऑफ आवर नीड विल बी लो एंड विद हायर अमाउंट ऑफ इनकम वी विल बी एबल टू स्पेंड मोर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई आवर नीड। सो नजर आ रहा है कि जिस शख्स की अगर हमारी अगर नेशनल इनकम में इजाफा होगा तो नेशनल कंजम्पशन में भी इजाफा होगा। नजर आता है कि नहीं, ये चीज समझ आती है कि नहीं? तो सिर्फ सदर लिए सबको जवाब देने की, बाकी लोग अली शाह हमदान शहरोज नुमान निमरा अली तो जानते रहना अभी सोना जाना। अच्छा जी, तो कंजम्पशन हमें बेसिक डिस्कशन जो सी है वो हम अपना
सर्कुलर फ्लो ऑफ सेक्शन इनकम पढ़ा था, उसके अंदर जो अब हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं. अब हमारा फोकस उस सर्कुलर फ्लो के अंदर जो फोकस है, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दैट कंजम्पशन फिगर, जो फर्म और जो हाउस होल्ड और इसके दरमियान से कि ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते थे हाउस होल्ड को और ये प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसके ऊपर स्पेंडिंग है. ये जो स्पेंडिंग है, दिस स्पेंडिंग जो के बाद अल्टीमेटली आपकी फर्म के पास जानी है, दिस स्पेंडिंग इज व्हाट कॉल्ड एज कंजम्पशन. अब हम मुहतब अच्छा पकड़ा और हमने इस कंजम्पशन की डेफिनेशन और कंजम्पशन के मामला को डिस्कस करना शुरू कर दिया. ओवरऑल हमारा जो इनकम साइकिल था उसमें से सिर्फ अब इसकी डिस्कशन अभी चल रही है, तो उसको जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि जनाब जो कंजम्पशन है ना, वो कंजम्पशन का कहीं ना कहीं इनकम के साथ कोई ना कोई तल्लुक नजर आता है हमें, कि इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी कम होगी. नेशनल इनकम में अगर कमी आती है तो नेशनल कंजम्पशन रेट की कमी आएगी, नेशनल इनकम के अंदर इजाफा आएगा तो कंजम्पशन में भी इजाफा आएगा. तो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप, और वो हमने कहा कि डायरेक्ट रिलेशनशिप नजर आता है, कि डायरेक्ट रिलेशनशिप कहीं नजर आता है. फिर इकोनॉमिक्स भाई ने जब इस चीज के ऊपर सोचना शुरू किया तो उन्होंने कहा यार कुछ दो कंजम्पशन के अंदर ना आप कंजम्पशन को सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर नहीं देख सकते. कंजम्पशन की दो टाइप्स उन्होंने बताई हमें, सेग्रीगेटेड दो एक्सपेंडिचर जो कि हम गुड्स एंड सर्विसेज पे करते हैं उनको दो हिस्सों के अंदर सेग्रीगेट किया. एक को उन्होंने कहा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, and other is induced consumption. Autonomous consumption and induced consumption. Autonomous consumption kya hai? E not and B what? कॉमर्स कंजम्पशन क्या है और इंड्यूस कंजम्पशन क्या है? रहता कि जनाब कोई अगर शख्स है आपकी इकोनॉमी के अंदर, कोई जैसे कंजम्पशन की बात करते हैं, कोई शख्स है अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उस बच्चे ने पैदा होते साथ ही कुछ ना कुछ उसकी कंजम्पशन की जरूरियात साथ शुरू हुए. उसको खाना चाहिए, उसको कपड़े चाहिए, उसको रहने की जगह चाहिए, उसको शेल्टर चाहिए, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट्स चाहिए. तो अब वो शख्स, वो जो बच्चा है, वो कोई नेशनल इनकम के अंदर इजाफा तो नहीं कर रहा, बट स्टिल देयर आर सर्टेन नीड्स दैट इज रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड थ्रू द यूज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. इसी तरह से नेशनल लेवल के ऊपर जब हम देखते हैं तो नेशनल लेवल पे भी देर आर सर्टन थिंग्स दैट स्टिल वी नीड टू प्रोवाइड इररिस्पेक्टिव वी आर हैविंग एनी इनकम और नॉट. नेशनल इनकम है या नहीं है, हमें वो चीजें, वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी ही करनी. अगर हमने वो सर्विसेज, वो कंजम्पशन ना की तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो सर्वाइवल के लिए, आपकी एग्जिस्टेंस के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनल इनकम, द नेशन स्पेंड ऑन दोज आइटम्स, वो एक जरूरी आइटम है, उनके ऊपर आपने स्पेंड करना ही करना है, उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे.
तो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो कंजम्पशन जिसका के इनकम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। इनकम होगी तब भी उतनी ही कंजम्पशन करनी है, इनकम अगर नहीं भी होगी तब भी आपने कंजम्पशन करनी ही करनी है। दीज आर ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्लियर है? कोई इश्यू तो नहीं है? ऑटोनोमस कंजम्पशन जिनका इनकम के साथ रिलेशनशिप नजर नहीं आता, जरूरत की चीजें, जैसे हमने बच्चे के लिए एग्जाम्पल देखी कि वो उसका कोई इनकम थोड़ी है, इनकम तो कोई भी नहीं है, लेकिन उसकी जरूरियात है, वो जरूरियात पूरी होनी जरूरी है। इस तरह से निशन के अंदर भी कुछ जरूरियात है, वो जरूरियात पूरी होनी जरूरी है। अगर वो जरूरियात पूरी नहीं होगी तो आपकी सर्वाइवल का, आपका एग्जिस्टेंस का इशू आ सकता है। आप अपनी इनकम लेवल को मेंटेन करने के लिए ही शायद आप उनको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं, हम रोड्स, इनकम नहीं हो रही, नेशनल इनकम में इजाफा, लेकिन हमारी जो इनकम जितनी भी हो रही है, अगर हमने उन रोड्स को मेंटेन ना किया, उसको रिपेयर ना किया, तो हमारी नेशनल इनकम हम जितनी अभी कमा रहे हैं उतनी भी नहीं कमा पाएंगे। इसलिए हमें रोड्स को मेंटेन करना पड़ता है। मशीनरी, अगर आप मशीन की मेंटेनेंस नहीं करते तो क्या होगा कि आप इनकम नहीं कमा पाएंगे, जो इनकम अभी कमा रहे थे, एग्जिस्टेंस जिस इनकम के ऊपर थी, वो भी आप इनकम नहीं कमा पाएंगे। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक ऐसी चीज नजर आती है जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, इनकम के साथ रिलेशन भी, लेकिन अपनी इनकम को मेंटेन रखने के लिए, अपने एसेट्स को मेंटेन रखने के लिए, अपने लेवल ऑफ अर्निंग को मेंटेन रखने के लिए हमें वो स्पेंडिंग करनी पड़ रही है। उसका इनकम के होने या ना होने से ताल्लुक नहीं है, ठीक है? और दूसरी जानिब इंड्यूस्ड कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या है कि जो जो इनकम बढ़ती है तो इन चीजों के ऊपर हमारा हर अखराजात बढ़ते हैं, हमारी कंजम्पशन बढ़ती है। अगर इनकम नहीं है तो हम कोई कंजम्पशन नहीं करेंगे, इंड्यूस्ड कंजम्पशन नहीं होगी उन चीजों के ऊपर, और अगर इनकम है तो फिर हमारी कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन उन चीजों के ऊपर बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती जाएगी। दिस इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इनकम। और does not depend on income. Then जो हम review बात समझ आ रही है, हम कह सकते हैं जब consumption is equal to C naught plus V y. इसमें फिर आपने हमारे कीन्स भाईसाहब आते, कीन्स भाईसाहब ने लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया है। लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया कीन्स भाईसाहब ने, उन्होंने बताया कि जनाब ये बात तो हमारी समझ आती है कि जनाब ओवरऑल जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। ये चीज हमें समझ आ गई क्योंकि कंजम्पशन के अंदर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इनकम के साथ हमें नजर आ रहा है। कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन हमारी, ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ेगी, इनकम कम होगी ओवरऑल कंजम्पशन कम होगी, बट स्टिल वी फाइंड दिस के लिए इनकम का कंजम्पशन के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नजर आता है, कोई रिलेशनशिप हमें नजर आता है, गुड हो गया। बट लास्ट कंजम्पशन का अंदर उन्होंने कहा कि जहां बट भाई साहब आ गए और उन्होंने कहा
कि चेंज इन कंजम्पशन विल ऑलवेज बी लेस देन चेंज इन इनकम. क्या समझ रहे इस बात की? रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन वुड बी लेस देन रेट ऑफ चेंज इन इनकम. रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन वुड बी लेस देन rate of change income in long run. Example is the difference on Jai. कि जनाब आपकी इनकम थी, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम थी 10,000 रुपए, यू गॉट कंजम्पशन. आपकी इनकम थी 10,000, तो आप कंजम्पशन कर लेते थे फॉर एग्जाम्पल 9,500, और 500 आप कम से कम सेविंग के अंदर कर सकते थे. ऐसे क्या मैक्सिमम सेविंग शायद हो सकती होगी, शायद नहीं हो सकती होगी, शायद सारी बात है, पॉसिबिलिटी है, नहीं हो सकती, लेकिन हम कहते हैं चले 500 के करीब हमारी सेविंग होती थी. अब क्या है, 10,000 से एकदम आपकी इनकम चली गई 1,00,000 तक, तो चार इज आया, कितना जंप आ गया 10 times. तो क्या आपकी कंजम्पशन भी एकदम से 95,000 पे चली जाएगी? लॉजिकल है, जो बंदा पहले 9,500 में गुजारा कर रहा था तो वो जंप करेगा भी तो चलो हो सकता है 70,000-80,000 इस पे पहुंचेगा कंजम्पशन करने में, उसकी सेविंग शायद वो ज्यादा बढ़ा देगा. लॉजिकल है ना, एकदम से इंक्रीज नहीं कर सकेगा एक चीज. दूसरी चीज कि जब आप अपनी कंजम्पशन 9500 पे की ना आपकी, तो उस वक्त आप अपनी नेसेसिटीज पूरी नहीं कर पा रहे थे, बमुश्किल नेसेसिटी पूरी कर रहे थे. और जब आपकी कंजम्पशन आपकी इनकम 1,00,000 पे चलेगी, आपकी बेसिक नेसेसिटीज तो पूरी हो रही थी, अब आप कंफर्ट और बेसिक नेसेसिटी जो बाकी थी उनको उनके ऊपर स्पेंडिंग करेंगे. और एग्जांपल इसको और बढ़ा देते हैं, हम कहते हैं 10,00,000 इनकम होगी. अब 10,00,000 महीने की इनकम है तो वो क्या 7,00,000 रुपया खर्च होगा? नहीं भाई, क्यों नहीं? इसलिए कि उस शख्स की जो बेसिक नेसेसिटीज है, खाने की, पहनने की, रहने की, आपकी मेडिकल की, एजुकेशन की, वो बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो रही होगी. आप उसको और बेहतर करेगा, शायद वो पहले पब्लिक स्कूल में इस सिचुएशन में पब्लिक स्कूल में जाते होंगे, इसमें किसी प्राइवेट स्कूल में, इसी में किसी ब्रांडेड स्कूल में चले जाएंगे. तो अपनी बेसिक नेसेसिटीज तो पूरी हो रही है, आप उसके अंदर बेहतरी लेकर आई जा रही है, कंफर्ट को, लग्जरी को हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी रेट ऑफ चेंज इन योर इनकम विल बी ऑलवेज बी लेस, विल लॉन्ग इन लॉन्ग और विल लेस देन योर रेट ऑफ चेंज इन योर कंजम्पशन. कंजम्पशन में रेट कम चेंज होगा होगा. यहाँ पे इसी एलिमेंट को यहाँ पे मैं नजर भी आ रहा है, 70,000 पे गई, 600,000 पे चले गया, लेकिन इनकम में तो आपका देखें 10 times चेंज हुआ था. यहां से 10 times चेंज नहीं हुआ, 10 times से कम हुआ. यहां से 10 times चेंज नहीं हुआ, 10 times से कम हुआ. तो
आपका जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी रेशियो ऑन स्पेंडिंग कंजम्पशन कम होती है. रीजन उसकी ये है कि आपकी बेसिक नीड्स बेसिक नेसेसिटीज आपकी नेशन वो पूरी होना सोती रहती हैं और आप ज्यादातर अपना खर्चा सेविंग की सूरत में कंज्यूम बचाते रहते हैं अपनी इनकम को सेविंग की सूरत में बचा लेते हैं. क्लियर है जी. व्हाई वी डू दिस सी प्लस एस वी हमने पहले भी देखा था किसी भी बात याद. इसकी जो हमारा इस लॉ है लॉ ऑफ कंजम्पशन की रीजन दो रीजन बनी. एक तो जैसे जैसे नेशन इनकम बढ़ती है आवर कंजम्पशन इंक्रीजेस ग्रेजुअली बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं ग्रेजुअली बेसिक नीड्स सेटिस्फाई एंड देन बाय के साथ और सेविंग्स इंक्रीज होती है इनकम विल बी डायरेक्टेड टू सेविंग्स इनकम सेविंग्स को में जाना शुरू हो जाती है आपकी बेसिक नीड्स पूरी होना शुरू हो जाती हैं इनकम के बढ़ने के साथ साथ और सेविंग्स में इजाफा होना शुरू हो जाता है और इसको देखते हुए हमने नजर आता है कि नाथ rate of change in consumption is less than our rate of change in income. अच्छा जी अब वो rate of change की जो हम बात कर रहे हैं वो कहते हैं जो उसको भी तो डिस्कस करें उसको हम कहते हैं कि ना MPC क्या marginal propensity to do things. इकोनॉमिस्ट बनी है ना देखो मैंने सोचा आपके साथ ये बात तो हम मुझे मान लेते हैं तीन साल की ये बात मान लेते हैं कि जनाब ये जो रेट ऑफ चेंज इन इनकम और रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये हम मान लेते हैं लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे तो हम बता दें कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्रोपेंसिटी टू क्या उर्दू में अगर हम उसे कहें आपके कंजम्पशन करने की जो सलाहियत है कंजम्पशन करने की जो आदत है कंजम्पशन करने की जो आपकी ख्वाहिश है वो क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल क्या है हर एडिशनल इनकम के साथ जो आपकी कंजम्पशन करने की सलाहियत कंजम्पशन करने की ख्वाहिश कोशिश उसको हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है एमपीसी. और हमने दूसरी जानेब अभी देखा था कि कंजम्पशन फंक्शन के अंदर बी बाय इंड्यूस्ड कंजम्पशन सी नॉट तो कंजम्पशन फंक्शन के अंदर हमने वी हैव सीन दिस सी इक्वल टू सी नॉट प्लस बी बाय वाई क्या है वाई इज नेशनल इनकम इनकम सी नॉट क्या है इसका इनकम के साथ कोई तल्लुक नहीं है ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो क्या चीज रहेगी बीच में दिस बी ये बी रह गया जिसके बारे में अभी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है
और बी क्या है कि रेशो है, ये रेशो क्या है जो हमने रेशो यहां पर देखी इनकम और आपकी कंजम्पशन के दरमियान में जो रेशो है दैट इज एमपीसी दैट इज बी एमपीसी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम इस रिलेशनशिप को हम एमपीसी कहते हैं tendency to consume, propensity to consume, tendency to consume. Then उसने कहा कि अच्छा ये बात भी आपको समझ आ गई. ये बताइए कि जो आपकी कंजम्पशन कर्व है फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर कंजम्पशन कर्व. कंजम्पशन कर्व का रिलेशनशिप कंजम्पशन एंड इनकम. तो आपकी कंजम्पशन कर्व की जो स्लोप है क्या वो भी यही नहीं है चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम. और स्लोप को हम अगर आप डिफाइन करें तो क्या थी change in consumption or change in income. So MPC is basically the slope of your consumption curve that tells the relationship between consumption and income. Or as change in consumption is less than change in income, so the income is higher. So change in consumption will be less than change in consumption will be less than change in income. So इसका मतलब क्या होगा? Example देखते हैं ना इसकी example. यहाँ पे अगर income में change आई 200 की, तो इसका मतलब है कि consumption के अंदर change हमेशा 200 से कम नहीं आएगा, 200 से ज्यादा नहीं आ सकता, 200 से कम नहीं आएगा. क्यों कम आएगा? इनकम के अंदर अगर चेंज 200 का आया तो कंजम्पशन के अंदर चेंज 200 से कम क्यों आएगा जरा बताएं. मायना इस वजह से कि इनकम के अंदर चेंज जो आएगा वो या तो कंजम्पशन में जाना है या सेविंग में जाना है. अगर आपका 200 का कंजम्पशन करती है तो यही आप मैक्सिमम कर सकते हैं. आप 200 की इनकम के अंदर चेंज आया तो आप 300 की कंजम्पशन तो नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है. इनकम के अंदर चेंज 200 का आया, आपकी सैलरी पहले 1,000 थी, 10,000 थी, अब वो 15,000 हो गई है, 5,000 का इजाफा हुआ है. तो आप अपनी कंजम्पशन के अंदर 5,000 का इजाफा कर सकते हैं ना, अपनी कंजम्पशन के अंदर 10,000 का तो इजाफा नहीं कर सकते. पॉसिबिलिटी नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, कैलकुलेट नहीं हो सकता. तो नेसेसिटीज पूरी होती जाएंगी, सेविंग की तरफ चले जाएंगे. लेकिन मैं कह रहा हूं कि इनकम के अंदर यहां पे जो हम बात कर रहे हैं कि दिस शैल ऑलवेज बी लेस देन 200. यहां पे जो फिगर आएगी वो लेस देन 200 ही होगी. लेस देन 200 होने का मकसद मतलब क्या हुआ कि आपका इसका आंसर कैसे आएगा? इसका आंसर will be always less than one. Always less than one. होगा नहीं होगा? MPC, slope, change in consumption, change in income, ये इसका answer will always be less than one. एक से हमेशा नीचे ही रहेगा, एक से ऊपर नहीं जा सकेगा. एक से ऊपर जाने के लिए क्या होना चाहिए कि 200 की अगर कंजम्पशन है तो ये 210 हो या 300 हो, फिर वो एक से ऊपर जा सकेगा, वरना ये एक से नीचे ही रहेगा. तो हमने क्योंकि आइडिया हमें पता चल गया है कि कंजम्पशन जो इनकम है वो या कंजम्पशन में चली जाती है या सेविंग में चली जाती है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जी न्यूमिनेटर ग्रेटर अगर हो तो फिर होगा
क्योंकि यहाँ पे बेशक डिनोमिनेटर ग्रेटर रहेगा, इसलिए हमारा आंसर विल बी लेस देन वन. हम ये कह सकते हैं कि एमपीसी विल बी ऑलवेज लेस देन वन. अच्छा, और दूसरी बात इसके साथ ही, एमपीसी विल नॉट बी लेस देन जीरो. एमपीसी लेस देन जीरो भी नहीं होगी, जीरो से कम क्यों नहीं हो सकती एमपीसी, माइनस भी क्यों नहीं जा सकती, आप बताए. इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि एमपीसी तो हम रिलेट कर रहे हैं चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम को. अगर इनकम के अंदर कोई चेंज आई है, कोई चेंज आई है इनकम के अंदर, तो लामहाला या तो वो कंजम्पशन में जाएगी या सेविंग में जाएगी. हो सकता है टोटल की टोटल सेविंग में चली जाए, 200 की कदम सेविंग इनकम में चली जाए, 200 की 200 सेविंग में चली गई, नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना कंजम्पशन. असूल क्या कहता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकती चेंज इन कंजम्पशन, नेगेटिव तो नहीं हो सकेगी. आप क्योंकि आपका रिलेशनशिप चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन का बन रहा है, तो इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकेगी आपकी कंजम्पशन. जो एमपीसी है that cannot be lower than zero. ये zero से one के दरमियान ही relate करेगा, zero से one के दरमियान ही इसकी figure आएगी, zero से one के दरमियान इस range के अंदर ही इसका answer आएगा हमेशा आपकी slope का. क्यों इस range के दरमियान आएगा, क्योंकि हमें पता है कि consumption is equal to इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, और कंजम्पशन और सेविंग के दरमियान में जो गैप है, उसको जो कंजम्पशन और सेविंग के दरमियान में जो रिलेशनशिप है, उसकी वजह से हमें अंदाजा है कि जो भी चेंज इन इनकम होगी वो या तो कंजम्पशन में जाएगी या सेविंग में जाएगी. अगर वो सारी सारी सेविंग में चली गई तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि जीरो आ जाए एमपीसी आपका. आप कह देंगे जी कि ये 200 की इनकम में चेंज आएगी, बट कंजम्पशन में तो जीरो भी फर्क आया था, तो आप सारे का सारा अगर इसमें भी चला जाए तो जीरो ही आंसर आएगा, जीरो से कम आंसर नहीं आ सकता. और अगर सारे के सारे इनकम में, अलीशा को समझ नहीं आ रही थी कि जीरो से ज्यादा क्यों होगी. अच्छा जी, इधर आ जाए. इनकम कंजम्पशन सेविंग, आपकी इनकम थी 100, कंजम्पशन थी फॉर एग्जाम्पल 80, सेविंग थी 20, इनकम होगी 300. चेंज इन इनकम कितनी आई, चेंज इन इनकम कितनी आई 200 की. अब क्या होगा, क्या हो सकता है मैक्सिमम, क्या हो सकता है चेंज इन इनकम आपकी 200 की आई है, मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आपकी कंजम्पशन जो पहले 80 थी ये 280 हो जाए, सेविंग आपकी सेम ही रहती है क्योंकि वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये तो हमारी रिलेशनशिप पता है. अच्छा, तो अब चेंज इन कंजम्पशन कितनी आई है, चेंज इन कंजम्पशन 200, मैक्सिमम भी हो सकती है ना कंजम्पशन के अंदर, मैक्सिमम इसी साइड पे जा सकते हैं, इससे कम तो नहीं जा सकते. तो अब एमपीसी अगर कैलकुलेट करें, इस सिचुएशन में एमपीसी कैलकुलेट करें चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम, तो 200 डिवाइडेड बाय 200 दैट मींस 1. ये आप मैक्सिमम, इससे बाहर नहीं जा सकते. 200 की चेंज आए तो क्या आप ये कर सकते हैं कि 200 की जगह 300 आपकी चेंज इन कंजम्पशन हो गई है, पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल लॉजिकल नहीं है. कंजम्पशन में चेंज जितनी आई है वो हमारा इस इक्वेशन के मुताबिक ही डिस्ट्रीब्यूट होनी है, कुछ हिस्सा सेविंग में जाएगा कुछ हिस्सा कंजम्पशन में जाएगा. तो हमने ये देखा कि अगर हम मैक्सिमम भी चले जाए तो 200 से ज्यादा हम नहीं जा सकते, 300 पॉसिबल नहीं है. इस वजह से हमने कहा कि ये जो इस रेंज के अंदर आएगा आपका आंसर, एमपीसी का आंसर हमेशा लेस देन
वन रहेगा, वन से ऊपर नहीं जा सकेगा, आपका न्यूमिनेटर 200 से ज्यादा बढ़ नहीं सकेगा, इस एग्जाम्पल के। और दूसरी जाने चले जाते हैं, इसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड करते हैं, y is equal to c plus s, आपकी इनकम थी 100, तो कंजम्पशन आप करते थे 80 की और 20 की, आप इनकम आ गई आपकी 300, तो चेंज इन इनकम कितना आया, चेंज इन इनकम 200 था, चेंज इन इनकम 200 था, और आपने कंजम्पशन में कुछ फर्क नहीं किया, तो सारा का सारा किधर गया आपका, चेंज इन कंजम्पशन कितनी, ये कह सकते थे ना चेंज इन कंजम्पशन 0 और सारे का सारा आपकी सेविंग के अंदर चला गया, यही कर सकते हैं। बेसिक रिलेशनशिप तो चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम कह रहा, तो आप मैक्सिमम ये कर सकते थे कि 200 रुपए की जो इनकम के अंदर चेंज आया है वो 200 रुपए का चेंज आप इसमें सेविंग के अंदर ले जाए, इसको आप यहां पे इनकम में ना लेके दें, कंजम्पशन में ना लेके दें, चेंज इन सेविंग आप ये 200 का कर दें, ये रिलेशन आई समझ। जब इस सिचुएशन में एमपीसी को हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन इस सिचुएशन में क्या है 0 और चेंज इन इनकम 200, तो एमपीसी इक्वल टू 0। तो ये हमें, हम ये कह रहे हैं कि एक्सट्रीम केसेस, मैक्सिमम एक्सट्रीमिस्ट व्यू ले रहे हैं हम यहां पे, कि एक्सट्रीम केस में ये हो सकता है कि चेंज इन इनकम सारी की सारी सेविंग के अंदर चली जाए, तो आपका एमपीसी 0 ही होगा, माइनस में नहीं हो सकेगा। और एक्सट्रीम केस में हो सकता है कि आपकी इनकम चेंज इन इनकम सारी की सारी कंजम्पशन में चली जाए, तो आपका एमपीसी 1 हो सकता है, 1 से ऊपर नहीं जा सकता। तो इसी वजह से हमने कहा कि हमारा एमपीसी विल ऑलवेज रिमेन विद इन दिस रेंज, हमारा एमपीसी 0 और 1 के दरमियान रहेगा, 0 और 1 से ना 0 से नीचे जा सकेगा ना 1 से ऊपर जा सकेगा। क्लियर है ये रिलेशन? इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को हमने आगे काफी लोगों को यूज भी करना है, काफी इस्तेमाल करना है एमपीसी एमपीएस के लिए भी, और उसको हमें कैलकुलेशन का पता होना चाहिए कि एमपीसी और एमपीएस अगर आप इक्वेट करेंगे तो लीगल टू वन बनेगा, और आगे का स्टेप देखते हैं। Then consumption schedule, consumption graph. This is our consumption curve. ये zero से start नहीं हो रहा, क्यों zero से नहीं हो रहा? C naught की वजह से, C naught की वजह से ये zero से start नहीं हो रहा, ये zero से हायर के ऊपर स्टार्ट हो रहा है। इसका अब मतलब क्या है, मतलब मतलब निकालने के लिए हमें अब एक हेल्पिंग लाइन की जरूरत हो, इसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए। इकोनॉमिस्ट भाइयों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप ये तो आपकी ये तो कंजम्पशन कर्व आपके पास आ गई, लेकिन इस कंजम्पशन कर्व से तो अभी कोई आप मतलब आहस नहीं कर सकेंगे, कंजम्पशन कर्व के अंदर तो कोई इशू नहीं है ना, C इज इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाय, सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाय, तो यहां तक हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन थी इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, उनका इसका इनकम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था, ये होनी ही होनी थी। फिर यहां पे हमारी रिड्यूस कंजम्पशन आई, जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन बढ़ी, लेकिन रेट ऑफ चेंज इन consumption is less than rate of change in income, जो teens महीने हमें law of consumption समझाया उसके मुताबिक। Clear है कि अब तक तो कोई issue नहीं है, understanding में भी issue नहीं है, MPC marginal productivity to consume उसमें भी कोई issue नहीं है, हमने MPC के अंदर सिर्फ relationship बनाया change in consumption और change in income का relationship आपस में एक build किया, और उसके
ख्यालात को देखा और उसने हमें समझ आई कि ये एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर रहेगा, जीरो और वन के दरमियान में इस रेंज से हट नहीं सकेगा। फिर आ जाए हमारे कांग्रेस भाइयों के ऊपर। कांग्रेस भाइयों ने कहा कि इसके साथ तो अभी हमें कोई समझ नहीं आएगी, इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए ना इकोनॉमिस्ट कई जगहों पे इंटरप्रिटेशन के लिए एक हेल्पिंग लाइन यूज करते हैं। दिस हेल्पिंग लाइन इज कॉल्ड 45 डिग्री लाइन, हेल्पिंग लाइन 45 डिग्री लाइन। ये क्या करती है, ये जो आपके एक्सेस हैं y एक्सिस एंड x एक्सिस, इस ग्राफ को, इस पिक्चर को हाफ में तकसीम कर देती है। इस लाइन को हम कहते हैं हाफ लाइन, फोर्टी फाइव डिग्री लाइन, हेल्पिंग लाइन। इसको हम ये वर्ड लेते हैं, इस से हम नतीजा क्या हासिल करते हैं, ये 45 डिग्री लाइन का मकसद क्या है। 45 डिग्री लाइन का मकसद ये है कि जहां आपका एक्स एक्सिस से जो फासला है, एक्स एक्सिस से जो फासला है 45 डिग्री लाइन के ऊपर, तमाम पॉइंट्स पे y एक्सिस से भी उतना ही फासला है। जितना फासला x एक्सिस से है y एक्सिस से दोनों सेम होंगे, आपकी आर्म ऑन x एंड y बोथ विल बी सेम। 45 डिग्री लाइन का सिर्फ ये डिवीजन कर देती है जो आपका ग्राफ है उसको, इस एरिया को हाफ के अंदर तकसीम कर देती है। हाफ में तकसीम करने से क्या होता है कि आपका डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वो दोनों सेम आपको नजर आते हैं, पता चलता है कि बोथ आर सेम, जितना हाफ हाफ, हाफ हाफ आपका इंपैक्ट करता है, जितना इधर उतना इधर, जितना इधर उतना इधर, जितना इधर उतना इधर, दोनों में हाफ इंपैक्ट आता है। क्लियर है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं। आपकी बस इस स्क्वेयर को आपने तकसीम कर दिया 45 डिग्री लाइन में, क्या किया, जो आपके पास ग्राफिकल स्क्वेयर है ये आपके एक्सिस को, उसको हाफ के अंदर तकसीम कर दिया, नथिंग मोर नथिंग लेस, सिर्फ उसके अंदर ये काम किया। तो इंटरप्रिटेशन करने के लिए, नक्शन कर्व की इंटरप्रिटेशन करने के लिए इकोनॉमिस्ट भाई कहते हैं कि आप इसको 45 डिग्री लाइन हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 45 डिग्री, this is our 45 degree line. 45 degree line आप क्या बता रही है? 45 degree line हमें ये बताती है कि जनाब हमारा इस एरिया के अंदर अब consumption is greater than our income. This area के अंदर our consumption is less than our income. इसको let's conclude here, क्योंकि हम complete नहीं कर पाएंगे. Let this be our starting point for tomorrow. इसको हम कल यहाँ से start करते हैं तसली के साथ, ताकि आप उसको समझ आ सके. ठीक है, तो आज के दिन हम यहाँ पे भी कंक्लूड करते हैं, कल के दिन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी आप कंजम्पशन सी नॉट प्लस बी वाई और एमपीसी की डिस्कशन जो है वो हमारी कंप्लीट होगी इंशाल्लाह, कल के दिन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।